Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to Your PD Education once again. So today is a very important message, and this session is for all those students jo ki Coal India Limited ke liye apply karna chahte hain. So in this video we'll be talking about Coal India Limited ka syllabus kya hai, okay, plus iska exam pattern kis tarike se hone wala hai, okay, aur iske andar kaun kaun se contents hain jo ki aapko taiyar karne hain. So firstly, let's talk about Coal India Limited mein actually vacancy, kis vacancy ki we are talking about. So in Coal India Limited, we are talking about vacancy jo ki nikli hai for environmental engineering students. Okay, who can apply, who cannot apply, we'll talk about that in a later video. But abhi ka jo hamara discipline hai, that is environment engineering. Okay, so jinhone bhi environmental engineering se PSU में एंटर करना चाहते हैं उनके लिए दैट इज दिस इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज द वैकेंसी इज 68 वैकेंसीज हैं, 30 इज फॉर जनरल एंड रिमेनिंग आर फॉर अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स. सो एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो लास्ट डेट है दैट इज 7th अगस्त 2022 तक फॉर्म्स फिल किए जाएंगे. ओके, सो Coal India Limited मैनेजमेंट ट्रेनी का पोस्ट है, द सैलरीज एंड ऑल आर पर्क्स आर वेरी गुड एज वी टॉक अबाउट दिस मैनेजमेंट ट्रेनी. अब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए है तो इसका एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस कि एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा. सो एज गिवन इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो Coal India Limited का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर दिया है कि आपका 3 आवर्स का यू विल हैव अ पेपर ऑफ ड्यूरेशन 3 आवर्स. ओके, इन 3 आवर्स में यू विल हैव टू गिव 2 पेपर्स, देयर विल बी पेपर 1 एंड दिस विल बी पेपर 2. दिस इज नॉन टेक्निकल एंड दिस इज टेक्निकल. नॉन टेक्निकल है और ये टेक्निकल है, दोनों के दोनों मिला के आपको एक ही पेपर आएगा, उसके 2 bifurcations है, पेपर 1 एंड पेपर 2. अब पेपर 1 जो कि नॉन टेक्निकल है, इट विल कंसिस्ट ऑफ 100 MCQ questions एंड दिस विल आल्सो कंसिस्ट ऑफ 100 MCQ questions, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 100 questions MCQ, पेपर 2 100 questions MCQ. पेपर 1 नॉन टेक्निकल है, पेपर 2 टेक्निकल है, दोनों को आपको फिनिश करना है इन जस्ट सिंगल सेटिंग, इन सिंगल सेटिंग ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे के ड्यूरेशन में. अब इसका सबसे अच्छी बात, द मोस्ट द बेस्ट पार्ट हियर इज कि आपका इसके अंदर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. There is no negative marking, और यहां पर you get 1 mark for every correct answer. Okay, this is going to be a computer based test, CBT है as usual, जैसा सभी PSUs के लिए होता है, mostly CBTs रहते हैं, तो computer based test है. I guess ये चीज clear हो गई होगी कि 100 MCQ आएंगे नॉन टेक्निकल के, 100 MCQs ऑफ टेक्निकल, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 1 mark फॉर एवरी करेक्ट आंसर. ओके, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो देयर इज नो मार्किंग, कुछ भी नहीं है. अब दिस सेटअप इज वेरी गुड, दिस सिस्टम इज वेरी गुड, क्योंकि आपका कोई नेगेटिव नहीं है, सो यू कैन वेरी फ्रीली एंड टेंशन फ्री आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि पेपर 1 में नॉन टेक्निकल में क्या क्या सिलेबस है और पेपर 2 में क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है. ओके, नाउ सिंस दिस पैटर्न, ये जो हमारा एग्जाम निकला है ना, इसका डेट अभी आया है. ओके, बट सिलेबस अभी तक Coal India Limited ने बाहर नहीं किया, सिलेबस के रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया. सो दिस इज द सिलेबस जो कि 2016-17 का है, उसी को पैटर्न को उसी को लेके वी आर गोइंग मूविंग फॉरवर्ड. और पेपर 1 के अंदर यू हैव जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस जो 16-17 में आया था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसी तरीके का कुछ पेपर अभी वापस से आएगा. तो 2016-17 के अंदर सिलेबस में पेपर 1 सेम उसी तरीके से 100 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस
न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपका क्वांट एंड एप्टीट्यूड होता है, देन यू हैव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है, डेटा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, एंड देन यू विल हैव जनरल इंग्लिश। ओके, ये तो हो गया आपका नॉन टेक्निकल। ओके, अब उसके बाद में आता है टेक्निकल, तो यू कैन गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, सारी चीजों पे आप जा सकते हैं। दिस इज फॉर पेपर टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ओके, सो पेपर टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, इससे क्वेश्चंस हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ओके, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, वो एनवायरमेंट से रिलेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या वाटर सप्लाई पढ़ लेते हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन पढ़ लेते हैं, बट दे डू नॉट स्टडी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। दैट्स समथिंग जो कि पहले भी आया था और अभी वापस से आने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद में वाटर रिसोर्सेज, वाटर क्वालिटी, ठीक है, सेम, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, फिर एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, एंड देन वी हैव एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA। अब लेट मी टेल यू, अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CIL के लिए, ये जो सिलेबस है, दिस वॉज ऑफ 2016 and 17। नाउ आर एंटायर टीम ऑन योर पीडिया इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट मोर। हो सकता है कि इस बार का जो पेपर आएगा, क्योंकि इसका सिंस अभी तक सिलेबस आउट नहीं हुआ, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स और आ जाएं। ओके, कौन कौन से मिसलिनियस टॉपिक्स आ सकते हैं? फर्स्ट है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। ओके, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी इज समथिंग जिससे क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, बिकॉज दिस इज प्योरली एंड प्योरली फॉर एनवायरमेंटल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स से हो सकता है क्वेश्चंस आ जाएं। देन यू हैव वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, दिस इंक्लूड्स योर अ लिटिल बिट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड अ लिटिल बिट ऑफ ओपन चैनल फ्लो स्टफ। देन यू हैव करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन, बिकॉज एनवायरमेंट एज ऑफ नाउ इज अ वेरी हॉट टॉपिक राइट नाउ, चेंजेस इन द इकोसिस्टम, चेंजेस इन द सराउंडिंग, तो वहां से आपको क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं करंट अफेयर्स से। तो जो जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, दैट यू कैन एक्सपेक्ट, हो सकता है शायद वो आपको एग्जाम में दिख जाए। इसके बाद में आता है एनवायरमेंटल इश्यूज एट ग्लोबल एंड रीजनल लेवल। नाउ देयर इज समथिंग जो कि है करंट अफेयर से भी रिलेटेड, आप इसको कर सकते हैं, ग्लोबल और रीजनल लेवल पे एनवायरमेंटल के क्या क्या इश्यूज हैं, उनसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, प्लस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये 5-6 टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि इस वाले कोल इंडिया लिमिटेड के एग्जाम में शायद आ जाए। ओके, हाउएवर सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस अभी तक नहीं आया, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एडिशनली ये आप थोड़ा सा और पढ़ लें। जो पिछले साल के, जो पिछली बार का सिलेबस है 16-17 का, उसको तो आप गो थ्रू करें ही करें, साथ में दिस इज समथिंग विच यू कैन प्रिपेयर ऑन एन एडिशनल बेसिस, एडिशनली दैट यू कैन प्रिपेयर। सो आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव बीन यूजफुल फॉर यू, जिसमें आपको सिलेबस का पता चला है। दिस सिलेबस यू कैन डाउनलोड, ओके ओके, दिस विल बी गिवन टू यू, ये आपको मिल जाएगा, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा। सिलेबस आपको पता चला होगा, पैटर्न आपको पता चला होगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है, कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पेपर वन, पेपर टू, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, 100 क्वेश्चन, 3 आवर्स, 100 MCQ है, साथ में 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर, 0 फॉर इनकरेक्ट आंसर, एंड इफ इवन इफ यू डू नॉट गो विथ एनी आंसर, देन ऑल्सो यू गेट अ 0। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वेरी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ऑन सिलेबस एंड अदर स्टफ फॉर योर कोल इंडिया लिमिटेड। So we'll make a separate video on who can actually apply into this, okay, plus how we can help you, since this is for 2016-17, you need to have a proper guidance jiske andar aap microbiology aur ye cheeze bhi padh sakein, because this is something new part jo ho sakta hai ki add on ho jaye is wale Coal India Limited ke exam mein, this can be an add on, okay, so all right everyone, so this is it. We'll meet in a next session. Till then, take care. Bye-bye and keep preparing. Thank you.